जिला सामान्य अस्पताल इरविन, जिला स्त्री अस्पताल डफरीन और उसी के परिसर में बने विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल को मिलाकर तत्काल अमरावती हेतु मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय शुरू किए जाने के संकेत मिले हैं। नांदगांव पेट और कोंडेश्वर रोड की जगह की चर्चा, इसके बीच लोगों की सुविधा को देखते हुए पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर आज दोपहर तीनों अस्पताल और उसके परिसर का विधायक प्रवीण पोटे न केवल अवलोकन किया बल्कि नापजोक भी करवाई गई, जिससे शासन की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द सरकारी मेडिकल कॉलेज आरंभ होने की संभावना बढ़ जाने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। बता दें कि गत मार्च में प्रदेश के बजट में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसमें से अमरावती का प्रमुखता से समावेश था। यहाँ के लोगों के साथ ही मेलघाट के आदिवासियों को और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलने की उम्मीद जागी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में धड़ाधड़ निर्णय किए गए, जिसमें अमरावती जिले के लिए दो महत्वपूर्ण नजराने मंजूर हुए हैं। संतरा उत्पादक किसानों के लिए तहसील के मासूद में 10 एकड़ के स्ट्रीट स्टेट को विधायक बच्चू कटू की बदौलत स्वीकृति मिली है। इसके लिए दो चरणों में 25 करोड़ खर्च की मंजूरी कैबिनेट ने दी और तत्काल रूप से 12 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। संतरा उत्पादक किसानों के लिए यह प्रकल्प बड़ा लाभदायक एवं उपयोगी रहने की संभावना है। राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने अमरावती जिले को सौगातें देने का क्रम जारी रखा है। आज भी कैबिनेट ने जिले के दो महत्वपूर्ण निर्णय किए, जिसमें चिकलदरा में न्यायालय की स्थापना की घोषणा का समूचे मेलघाट ने स्वागत किया है। विधायक राजकुमार पटेल के प्रयत्न फलीभूत हुए हैं। पटेल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अपने नेता विधायक बच्चू कड़ू के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय अधिक से अधिक एक वर्ष के अंदर कार्यरत हो जाएगा। यह चिकलदरा और परिसर के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। वकीलों और कोर्ट से जुड़े लोगों ने न्यायालय की घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है। पुलिस महकमे के लिए यह न्यायालय उनका सिरदर्द और तकलीफ दूर करने वाला रहने की प्रतिक्रिया सुनने मिली है। दो दिन पूर्व रविवार को पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन रवाना होने के बाद आज दूसरी विशेष ट्रेन अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जय हरि विठल के जयघोष के साथ सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने वारकरियों को भजन कीर्तन के साथ शुभेच्छा देते हुए रवाना किया। बकरीद और आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार एक साथ आने से कानून व्यवस्था बनाए रखने शहर पुलिस चौकन्नी हो गई है। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने जमावबंदी के आदेश जारी करने के साथ लगभग 2000 पुलिस कर्मी एवं होमगार्ड का बंदोबस्त तैनात किया है। पुलिस प्रत्येक बात में अलर्ट नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी खास तौर से मुंबई से आ रही है। ऐसे ही नागपुर से राज्य आरक्षित पुलिस बल की एक कंपनी बुलाई गई है। कोई कसर खाकी नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों ने बताया कि RAF की एक कंपनी में 120 कमांडो रहते हैं। यह हर समय किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम और तैयार रहते हैं। ऐसे ही SRPF सशस्त्र कंपनी मुस्तैद की गई है। CP रेड्डी ने लोगों से शांतिपूर्वक और नियम के अधीन रहकर त्योहार मनाने की अपील के साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने, विशेषकर सोशल मीडिया पर सावधान रहने कहा है। बकरीद के मौके पर कल गुरुवार 29 जून को अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में भारी पुलिस बंदोबस्त मुकर्रर किया गया है। SCP अविनाश बारगर के निर्देश पर जमावबंदी के आदेश के साथ सैकड़ों पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एवं लगभग 800 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। वरुड़ तहसील के शेघाट मलकापुर निवासी प्रकाश किशनराव वघाले को गाड़गे नगर पुलिस ने आज दोपहर आत्मदाह की कोशिश करने से पहले ही विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने दबोच लिया। उसने पुलिस और राजस्व में 30 बार निवेदन शिकायत देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से बेजार होकर आज सवेरे 10 बजे आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। उसने जिलाधीश कार्यालय के तिरंगा झंडा के पास अथवा तहसील अथवा सांसद के निवास के पास खुद को जला देने की धमकी दी थी। कल मंगलवार को ही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिससे प्रकाश वघाले की धमकी को लेकर पुलिस अलर्ट थी। सजग पुलिस ने प्रकाश को तुरंत पकड़ लिया। वैसे ही प्रकाश ने विभागीय आयुक्त कार्यालय का रुख किया। गाड़गे नगर के थानेदार कुलट के दल ने उसे पकड़ लिया और आत्मघाती कदम उठाने से पहले ही डिटेन कर लिया। मुर्शी के अपर वर्धा बांध प्रकल्प ग्रस्त
किसानों की गत 4.5 दशकों से प्रलंबित समस्या को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सम्मुख रखकर उनका निराकरण का प्रयास का दावा जिला प्रमुख अरुण पडोले ने दिया। उन्होंने गत 45 दिनों से शुरू श्रृंखलाबंद अनशन पंडाल को भेड़ देकर उन्हें आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया। शिवसेना प्रमुख के साथ पूर्व नगराध्यक्ष आप्पा गेडाम, संजय टेकाडे, रोशन लोखंडे, युवा नेता व उप तालुका प्रमुख छोटू विदले, सुरेश टावरी, विजय तापडिया, धनंजय उमप, मिलिंद ढोले और शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित थे। गुरुवार 29 जून को आषाढ़ी एकादशी और बकरी ईद एक ही दिन आई है। करोड़ों वारकरी और वैष्णव भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से उपवास रखते हैं तथा आहार विहार की पवित्रता रखी जाती है, लेकिन इसी दिन बकरी ईद रहने से गोवंश की बड़े पैमाने पर हत्या होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए प्रशासन ने गौ हत्या प्रतिबंधक कानून का कड़ाई से अमल कर गोवंश की हत्या रोकने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गैर कानूनी तरीके से अन्य पशुओं की हत्या रोककर प्रदूषण न हो इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग हिंदू जन जागृति समिति ने जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त से की है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र का अति संवेदनशील रहा खुलापुरी गेट पुलिस स्टेशन वर्तमान स्थिति में भाजी बाजार के मनपा कार्यालय के सामने शुरू है, लेकिन उसे पुराने स्थान पर लाने के लिए विधायक रवि राणा द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। नागरिकों की मांग को देखते हुए जारी प्रयास के चलते राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिले के पालक मंत्री ने DPDC से 3 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए जल्द ही 3 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। इस कारण अब पुराने स्थान पर पुलिस स्टेशन के स्थानांतरण का काम भी शुरू हो जाएगा। अमरावती विभाग के 5 जिले में जून माह में अब 46.07 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो 33.9% है। वैसे अब तक यह बारिश 137.8 मिमी होना अपेक्षित था। इस आंकड़ेबारी के मुताबिक 75.1% बारिश कम हुई है। डेंगू समेत अन्य संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए मनपा प्रशासन की तरफ से आवश्यक उपाय योजना की जा रही है। ऐसे में शहर के खुले भूखंडों पर जमा कचरा और गंदगी की सफाई के लिए संबंधित भूखंड संचालकों को सूचना दी जा रही है। इसके बावजूद भूखंड मालिकों द्वारा अनदेखी किए जाने से उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम देकर मनपा ने अपने कामगारों को भी भूखंडों की सफाई करने का निर्णय लिया है। सफाई कामगारों का वेतन इन भूखंड संचालकों से वसूल करने की चेतावनी दी गई है। दे अशोक बुद्धिस्ट फाउंडेशन द्वारा कल गुरुवार 29 जून को दोपहर 12 बजे से यशोदा नगर के सखा मंगलम में भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ग्रंथ पाठकों की कार्यशाला आयोजित की गई है। अध्यक्षता भदंत सत्यानंद महातेरो करेंगे। उद्घाटन प्रकाश रविराव करेंगे। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर थोरात प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र मुंद्रे, डॉक्टर कमलाकर पायस, डॉक्टर रेखा पर्वतकर, डॉक्टर राजेश चोरपकार, प्राध्यापक प्रकाश जौनजाल, भदंत श्रीपाद थेरो, भदंत आर्य सारिपुत्त थेरो, प्राध्यापक दिनकर उपकर रहेंगे। मराठी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष पद पर सतत दूसरी बार निर्विरोध चुने गए अमरावती मंडल और दैनिक मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल का सकल जैन समाज की ओर से सत्कार किया गया। इस समय अध्यक्ष महेश कोटारी, कार्याध्यक्ष सुरेश जैन, सचिव अभिनंदन पेंडारी, उल्लास श्रीसागर, संजय जैन, विनोद जांगड़ा, पदम देवड़ा, नितिन बन्नोरे आदि की उपस्थिति रही। सुरेश जैन और उल्लास श्रीसागर ने बधाई पर 2 शब्द कहे। पीआर पोटे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों हेतु 110 कंपनियों का कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। 30 से अधिक कंपनियां सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल से संबंधित रही, जिसमें RDC इंडिया, एडिफाइस, अडानी, थीटा कंट्रोल, रोंच पॉलीमर्स, TCS, कोडितास, यूनिवर्सल, सिलेक्ट कंट्रोल, पोलाबेरा, मार्केल, सोक्रति आदि अनेक का समावेश रहा। 5 विद्यार्थियों को RDC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने यहाँ नियुक्त किया है। उनमें आर्यन चंद्रे, गौरव टिकेकर, अनिकेत देवुलकर, अंजलि तुमरे, मृणाल वानखडे का समावेश है। शैक्षणिक क्षेत्र के इतिहास में पहली बार 26 जून से शुरू होने वाली शालाएं अब की बार 30 जून से शुरू हो रही है। एक और तो शाला में प्रवेश की जोरदार तैयारियां शुरू है। अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा जिले के 200 होनहार विद्यार्थियों को दिल्ली ले जाने वाली है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करवाने के बाद नए संसद भवन और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भी दिखाया जाएगा। आज युवा स्वाभिमान कार्यालय में इस कार्यक्रम की अंतिम तैयारी हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इस कार्यक्रम का व्यवस्थित आयोजन करने हेतु विविध समितियां गठित की गई।
दसवीं व बारहवीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अगली शैक्षणिक संस्था के प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां शुरू है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करने के लिए विद्यार्थियों को तहसील कार्यालय में आना पड़ता है, परंतु विगत 8 दिनों से राजस्व विभाग का ऑनलाइन पोर्टल बंद रहने से अधिकारी कर्मचारी को काम करते समय अड़चनों का सामना करना पड़ता है। सरकार आपके द्वार इस उपक्रम अंतर्गत भातकुली तहसील में विधायक रवि राणा ने भव्य जनता दरबार लिया। जनता दरबार में सभी सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में जनता की समस्या का तुरंत निपटारा किया गया। कई वर्षों से लंबी समस्या हल होने से नागरिकों ने समाधान व्यक्त किया। 1080 नागरिकों को PR कार्ड व सनद का वितरण, 375 लोगों के संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना, विधवा परित्यक्ता लाभार्थियों को योजना लाभ मंजूर किया गया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने किसानों का आह्वान किया कि वे बुवाई करने की जल्दबाजी न करें। नकली बीज आपूर्ति करने वाले कंपनी वितरकों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश विधायक रवि राणा ने दी है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद पुणे के अमरावती विभाग द्वारा आगामी 23 जुलाई को संत गाडगेबाबा राज्य स्तरीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसी जानकारी आज यहां आयोजित पत्रकार परिषद में संगठना के विभागीय अध्यक्ष शिवा प्रधान, जिलाध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल तथा उपाध्यक्ष पद्माकर मंडवधरे ने दी। जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने मंगलवार दोपहर एक प्रकल्पग्रस्त द्वारा आत्मदाह का प्रयत्न करते समय कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पत्रकारों ने ही किसी तरह उस शख्स को रोका, अन्यथा अनहोनी हो जाती। ऐसे ही प्रदर्शनों और आंदोलनों के मद्देनजर CP नवीन चंद्र रेड्डी ने स्थायी पुलिस बंदोबस्त की घोषणा कर दी। आज से ही कलेक्टर पर 6 पुलिसकर्मी पहरे पर तैनात कर दिए गए हैं। यह बंदोबस्त अगले आदेश तक कायम रहेगा। सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया को हर कोई दोष देता है, मगर यही मीडिया कई बार बड़ा प्रभाव भी साबित हुआ है। अमरावती में ही गाड़गेनगर क्षेत्र के सूरज कैफे पर हुई भयानक वारदात का वीडियो गत शाम वायरल होने के बाद गाड़गेनगर पुलिस की कारगुजारी शहरवासियों के सामने आई। आनंद फानन में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर दफा 325 का मामला हत्या के प्रयास अर्थात धारा 307 के तहत दर्ज किया गया। उसी प्रकार दोनों आरोपी दबोचे गए। आरोपियों को दोपहर में अदालत में प्रस्तुत कर PCR लेने का प्रयास पुलिस दल कर रहे हैं। अमरावती मंडल में इस बारे में कल समाचार प्रकाशित होने के बाद शहरवासियों में हलचल मची और उस वायरल वीडियो की अनेक ने डिमांड की। वीडियो देखकर कई लोग थर्रा उठे। वाशिम जिले के धारकाटा की नाबालिग लड़की पर विगत नवंबर में हुआ गैंगरेप लड़की के गर्भवती होने और जिला स्त्री अस्पताल डफरीन आने पर उजागर हुआ। आरोपियों में एक शख्स पीड़िता का रिश्तेदार बताया जाता है, जबकि दो आरोपियों को वह नहीं जानती। गाड़ियानगर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए बाहर गांव जाने पर बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सेनमारी की अनेक घटनाएं उजागर हुई है। पुलिस ने डिटेक्शन का प्रयास किया, किंतु कुछ ही घटनाएं उजागर कर आरोपियों को दबोच लिया गया। कई घटनाएं अब तक डिटेक्ट नहीं हुई है, जिसमें घनश्याम नगर के दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात शामिल है, जिसमें फिरियादी हरि पुरवार के घर से अज्ञात तत्व 10-11 लाख रुपए का माल उड़ा ले गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मार्च, अप्रैल और मई ऐसे 3 माह में चोरी के 48 अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें से 29 घटनाएं दिन दहाड़े हुई है, जबकि 19 मामले रात को चोरी के हैं। पुलिस टीम ने 11 सेंधमारी की घटनाएं उजागर कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी 3 दर्जन से अधिक केसेस प्रलंबित है, जो 11 मामले पुलिस ने पकड़े हैं। उनमें दिन दहाड़े हुई घटनाओं के 5 प्रकरण भी शामिल है। येवदा थाना अंतर्गत वरुड कुटल के कुख्यात गुंडे आकाश नाना पुणकर, इसके विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत कार्रवाई करते हुए 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जिलाधीश पवनीत कौर ने पुलिस के प्रस्ताव को बतौर जिला दंडाधिकारी मान्यता देकर MPDA के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजापेट और बडनेरा थाना अंतर्गत 2 घटनाओं में अज्ञात चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए के सोने के जेवर पार कर दिए। पन्नालाल बगीचे के पास रहने वाले नयन राधेश्याम काकानी के घर से अज्ञात तत्वों ने सोने का मंगलसूत्र, 15 ग्राम चेन, 20 ग्राम कान के, 5 ग्राम और 5 ग्राम की अंगूठी सहित 45 ग्राम सोना चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मंगलवार की दोपहर सिंदखेड़ राजा के चैनल क्रमांक 300
35 के पास अनियंत्रित कार दुभाजक से टकरा गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चार अन्य घायल हो गए। घायलों को जालना के अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें सिंकेट राजा और दुर्स बीट से रुग्णवाहिका से अस्पताल ले जाया गया। यह सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। कार से नागपुर से नासिक की तरफ जा रहे थे, उसी समय यह दुर्घटना घटी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।